Dear students, welcome to my YouTube channels. Today I will teach you how to tell time in English. Dear students, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि English में time कैसे बताते हैं, ठीक? कि how to tell time in English, मतलब English में time कैसे बताएं? जैसे कोई person आपसे पूछता है कि मतलब what's the time, कि time क्या हुआ है, या time क्या है, ठीक है? तो इसका मतलब इंग्लिश में बताना होता है, तो इंग्लिश में कैसे टाइम बताएं, ठीक? आज के बाद आप टाइम के बारे में, मतलब इंग्लिश जो इंग्लिश में टाइम बताया जाता है उसके बारे में शायद आप सारी जो भी आपके डाउट होंगे वो शायद क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए और लोगों को सिखाइए, ठीक? अगर आपको इस वीडियो से सीख मिलती है तो दूसरे को ज़रूर सिखाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक? हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या है, देखिए, जैसे ये वॉच है, हमारी वॉच है ना, आपको वॉच दिख रही होगी। वॉच में कितने होते हैं, देखिए, ये आपकी वॉच बनी है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे लिखा है 12 3 6 9, ठीक है, या इतनी वॉच है, ठीक? ये वॉच में जो इधर, इसमें क्या है, एक हमने लाइन ये खींच ली, जो इधर का पार्ट रहता है ना, 12 12 × 6 का जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, लेफ्ट मतलब बायां, मतलब लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं 2 से 2 का मतलब होता है कम, ठीक? और जो राइट साइड वाला होता है, 12 के राइट साइड वाला, उसको बोलते हैं पास्ट। पास्ट में तो होता है ज़्यादा, जैसे मतलब 12 बजकर के, जैसे जो भी जितने ज़्यादा मिनट हो गए, 12 बज के 5, मतलब 12 से अब ज़्यादा 5 मिनट हो गए, तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर 12 बजने में 5 मिनट कम है तो वहाँ पर कम का यूज, मतलब वहाँ पर 2 का यूज किया जाएगा, ठीक? अगर हम आते हैं अब सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे ये 2 और 5 यूज होंगे, ठीक है? यहां पर होता, देखिए, ये हमने यहां पे बताया है पास्ट के बारे में, ठीक? पास्ट मीन्स होता है ज्यादा, ठीक? यहां पर बताया है हमने 2 के बारे में, 2 का मतलब होता है कम, मतलब अगर 12 बजने में, मतलब अगर कम होंगे तो मतलब क्या होगा, जैसे 12 बजने 5 मिनट कम है, 12 बजने में अगर 12 बजने 5 मिनट कम है तो वहाँ पे 2, अगर 12 बज करके 10 मिनट हो गया तो वहाँ पे पास्ट का यूज करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं, देखिए, आपको ये लिखा होगा पास्ट, पास्ट में ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पर हो गया है 12 बज करके 5 मिनट हो गया है, कि आप हिंदी बोलते हैं 12 बज करके 5 मिनट हो गया। अब इंग्लिश में इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे टाइम को बताने के लिए एक हमारा जो प्रोनाउन यूज होता है, इट जो है आपका, ये प्रोनाउन, ये टाइम को बताने के लिए भी यूज होता है, आपको ये वेदर जो मौसम के बताने के लिए होता है, ठीक? और टाइम हमारा निगेटिव चीज़ के लिए भी यूज होता है, निगेटिव थिंग के लिए, ठीक है? तो हम अभी जो सीखेंगे इट का यूज, वो टाइम के बारे में, ठीक है? ये टाइम में टाइम बताने के लिए यूज होता है, ठीक? जैसे बजा है 12 बज करके 5 मिनट हुआ है, तो आप बताएंगे क्या होंगे, इट इज 5, मतलब ये जो 5 वाला है इधर आ जाएगा, इट इज 5 past 12, क्या बोलेंगे, इट इज 5 past 12, मतलब 5 को लाना है पहले, फिर पास्ट के बाद 12 आ जाएगा, ठीक? क्या हो जाएगा, इट इज 5 past 12, अगर अगर होगा 12 बज करके 7 मिनट हो गया तो इट इज 7 past 12, अगर 12 बज करके 10 मिनट हो गया इट इज 10 past 12, अगर 12 बज करके 12 मिनट हो गया इट इज 12 past 12, अगर 12 बज करके 13 मिनट हो गया इट इज 13 past 12, अगर 12 बज करके 20 मिनट हो गया तो इट इज 20 past 12, अगर 12 बज करके यहाँ पर हो गया है आपका 12 बज करके 25 मिनट हो गया तो इसको बोलेंगे इट इज 25, ये लिखेंगे यहाँ पे जो 25 लिखा है यहाँ पे लिख देंगे 25, फिर लिख देंगे पास्ट, फिर 12, आपका ये टाइम हो गया, कितना हो गया, इट इज 25 past 12, ठीक? मतलब 12 बज करके 25 मिनट हो गए, इट इज 25 past 12, मतलब 12 बज करके 25 मिनट हो गए, मतलब जो ये 25 होगा ये पास्ट के पहले आएगा, ठीक?
फिर आते हैं हम यहाँ पे। अब हम मतलब आशा करते हैं कि आई होप यू गॉट इट दिस पॉइंट, देन आई टेल यू अबाउट टू, ठीक है। मतलब ये आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि ये पास्ट का यूज कहाँ होता है। मतलब जब भी 12 बजकर के मतलब जो 30 मिनट तक होगा, वहाँ पर जो 30 मिनट तक होगा, 30 मिनट के बीच में जो भी आपके मिनट होंगे वहाँ पे पास्ट का, और 30 मिनट के बाद या आपके 60 मिनट के पहले वहाँ पर यूज होगा आपका टू। मतलब अगर जैसे मान लिया, जैसे हो गया इट, जैसे हमने बता दिया 10:55 हो गया, तो मतलब उसमें कितने मिनट बाकी हैं 11 बजने में, तो 5 मिनट बाकी है ना, तो 5 मिनट बाकी, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज 5 to 11, मतलब 11 बजने में 5 मिनट अभी बाकी हैं। तो जैसे हमने माने 10:55 हो गया है, तो क्या है, इट इज, अगर आप ऐसे बोलते हो इट इज, सर आपने तो इसमें पास्ट बताया था, तो इसके हिसाब से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 55 past 10 बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा बोलने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम मिल रही, हेजिटेशन होगी, इसलिए इसको आसान करने के लिए यहाँ पे टू का यूज किया गया है, ठीक। टू का मतलब होता है कम, मतलब आप इसको सही से बोल सकें, कोई हेजिटेशन ना हो, इसके लिए मतलब टू का है। मतलब 11 बजकर के जैसे 11 बजने में मतलब 5 मिनट कम है, तो इसको आसानी से बोलते हैं इट इज़ 5 to 11। अगर जैसे 10:50 हुआ है, तो मतलब अगर 11 बजने में 10 मिनट का, इट इज़ 10 to 11, 10:40 हो गया, इट इज़ 20 to 11, 10:35 हो गया, इट इज़ 25 to 11। मतलब जो होता है यहाँ पर, जो आपको जो है ना, यहाँ पर जो है आपके 60 से माइनस करना होता है। जैसे 55 है ना, तो यहाँ पे 60 से माइनस कर दीजिए, कितने 55, तो आपका 5 बचा कि नहीं, तो वही जो 5 बचा है, मतलब वही पे ये यहाँ पे 5 आया, ठीक। यहाँ पे आप करेंगे तो 60 - 50 करेंगे, तो यहाँ पर 10 बजेगा, 10 मिनट बचेंगे ना, तो वहीं पे ये आया है 10। इट इज 10 to 11, इट इज 20 to 11। जैसे हमने मान लिया 9:40 हो गया है, तो 9:40 हो गया है ना, तो इसको कैसे बोलेंगे, आप तो ऐसे बोल सकते हो इट इज 40 past 9 बोल सकते हो, मतलब पास्ट वाला का बोलना चाहो। अगर टू वाला बोलना चाहते हो कि 9:40 हो गए, मतलब 10 बजने में आपके 20 मिनट कम है, तो इसको कैसे बोल सकते हो, 20 मिनट जो कम है ना, उसको 20 मिनट को पहले लाइए, इट इज 20 to 10, क्या होगा, इट इज 20 to 10, मतलब 9:40 हुआ है, तो क्या है, 9:40 मतलब 10 बजने में 20 मिनट कम है, तो जो 20 मिनट होगा तो पहले होगा इट इज 20 to 10, क्या हो जाएगा, इट इज 20 to 10, 10:40 मतलब 10 बजने में 20 मिनट कम हुआ है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया 10:35 हुआ है, तो इसमें 11 बजने में कितने मिनट कम है, आपके 25 मिनट कम है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज 25 to 11। अगर 10:32 कम, 10:32 हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इट इज 28 to 11, ठीक। आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट टाइम में, देखिए इतना समझे, जैसे पास्ट का समय, जैसे मान लिया हमने 1:10 हो गया है, तो क्या होगा, यहाँ पर 1:10 हो गया, ठीक, तो क्या होगा, इट इज 10 past 1। अगर 3:20 हो गया, इट इज 20 past 3। अगर 3:25 हो गया, इट इज 25 past 3। अगर 3:29 हो गया, इट इज 29 past 3, ठीक है। अगर हम मानते 3:35 हो गया, ठीक, 35 मिनट हो गया, तो अब इसके 30 के अब आगे आप क्रॉस कर गए ना, तो जब भी क्रॉस कर जाएंगे तो हमारा रूल लग जाता है 2 का, ठीक। तो 3:40 हो गए, तो 4 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 20 मिनट बाकी है ना, जो 20 मिनट जो बाकी है वो पहले आएगा, इट इज 22:04, इट इज 22:04। अगर 3:45 हो गया, तो क्या बोलेंगे, इट इज
45 मिनट हो गया ना, अब 4 बजने में कितने 15 मिनट बाकी है ना, तो इट इज 15 टू 4। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब होता है सर, अब हमको ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या है ना सर, क्या है आपको जैसे 15 मिनट 30 मिनट या 45 मिनट गांव में बोले हैं 3:15 बज गया है, 4:15 बज गया है, 5:15 बज गया है, 3:30 बज गया है, 6:45 बज गया है, तो 4:15 और 5:30 की क्या होती भैया, तो 4:15 और 5:30 की और जो 4:15 की जो होती है इसको बोलते हैं, देखिए जब 15 मिनट हो जाता है ना तो बोलते हैं क्या, 15 मिनट को क्या बोलते हैं 1:15। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, 45 मिनट हो जाता है तो बोलते हैं भैया 1:15। ठीक, तो अगर 30 मिनट हो जाएगा ना सर तो इसमें बोलेंगे क्या 1:30। ठीक, तो ये एक्चुअली सर क्या होता है ना, जो हम विलेज एरिया में जो जाते हैं तो वहाँ पे 1:15 या 1:30 का ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब जो मतलब टाउन या विलेज एरिया में, तो वहाँ पे होता है, वहाँ पे 15 मिनट जब हो जाता है, सॉरी जो बैक आवाज़ आ रही होगी, ये जो ऑन रोड में जैसे हमारी वीडियो बन रही है तो आवाज़ आती रहती है, ठीक, इसके लिए सॉरी। ठीक, जैसे 15 मिनट हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं 45 मिनट होता है उसके लिए 1:15 बोलते हैं, 30 मिनट हुआ है उसके लिए 30 मिनट हुआ है उसके लिए बोलते हैं हिंदी में 1:30। ठीक है, अगर 15 मिनट हो गया है इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वार्टर, क्या बोलेंगे, क्वार्टर। अगर 45 मिनट हो गया इसके लिए भी क्वार्टर का यूज करते हैं, अगर 30 मिनट हुआ है तो इसके लिए भी क्या करते हैं आप, 30 मिनट का मतलब क्या है, ये 30 मिनट का आधा आधा हो गया कि नहीं, ये 30 मिनट का आधा आधा हो गया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 1:30 हो जाएगा, क्या 1:30। ठीक, जैसे ये देखो ये घड़ी है ना, ये इसका एक पार्ट हो गया तो ये आधा आधा हो गया ना, तो ये जब भी 30 मिनट पे आएगा तो क्या हो जाएगा 1:30, मतलब हाफ, क्या हो जाएगा इंग्लिश बोलेंगे हाफ। और अगर ये हो जाएगा 4:15 हो गए ना, तो अब हो जाएगा यहाँ पे 15, तो क्या हो जाएगा, ये 1:15 बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं भैया क्वार्टर, क्या बोलते हैं क्वार्टर, और इसके लिए बोलते हैं, इसके लिए भी क्वार्टर बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं हाफ। ठीक, और वही पुराना वाला रूल, आप पास्ट और टू करते चले जाइए। अब पास्ट टू ऐसे कैसे करेंगे, देखिए जैसे हुआ है 4:15 हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज 4:15। 3:15 हुआ है, इट इज 3:15। अगर 5:15 हुआ है, इट इज 5:15। 6:15 हुआ है, इट इज 6:15। 7:15 हुआ है, इट इज 7:15। 8:15 हुआ है, इट इज 8:15। अगर 9:15 हुआ है, इट इज 9:15। ठीक, ऐसे आप कितने भी बना सकते हो, जितने टाइम में मतलब यूज किए जाते हैं 1 to 12 तक। ठीक है, फिर आते हैं 45 मिनट को, सर जैसे कहते हैं 4:15 बज गया है तो क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं 4:15 बज गया है, तो 4:15 का मतलब आप जैसे 1:15 आ गए तो आप समझ लीजिए 15 व्यक्ति बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज 4:15। 3:15 बज गया है, इट इज 3:15। अगर 9:15 बज गया है, इट इज 9:15। 10:15 बज गया है, इट इज 10:15। ठीक, आप ये क्वार्टर वाला सीख गए, फिर बोल गए, कोई बोल देता है 10:45 हो गया है या 10:45 बज गया है, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या 10:45। ठीक, 10:45 बज गया है सर, तो क्या बोलेंगे, तो इट इज आपका जो 45 है ना उसमें 10:45 बजने में कितने मिनट कम है, 15 मिनट कम है ना, वही वाला फार्मूला आ जाइए, ये वाला जो 2 वाला बताया था ना कि इधर कम हो जाता है, तो क्या है 10:45 हुआ ना, तो इसमें 11 बजने में कितने मिनट कम है 15, और 15 मिनट के लिए क्या यूज होता है सर, ये क्वार्टर, तो क्या हो जाएगा, इट इज 10:45। अगर सॉरी इसके लिए अगर हो गया 9:45 हो गया है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे,
इट इज क्वार्टर टू टेन, अगर 7:45 हो गया है तो 7:45 मतलब 7:45 हो गया है या 7:45 तो 7:45 हो गया है। तो अगर देखो व्यक्ति दो तरीके से बोल सकता है, या 7:45 हुआ है या 7:45 है। बात तो एक ही है ना, मतलब 15 मिनट ही तो कम है। जो 15 मिनट कम होंगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए आएगा इट इज क्वार्टर टू 8, इट इज क्वार्टर टू 9, इट इज क्वार्टर टू 10, इट इज क्वार्टर टू 11, इट इज क्वार्टर टू 7, इट इज क्वार्टर टू 4, इट इज क्वार्टर टू 3, इट इज क्वार्टर टू 2, इट इज क्वार्टर टू 1, ठीक। मतलब 1:15, 2:15, इट इज क्वार्टर टू जो भी लगा आपका 3:15 है ना, इट इज क्वार्टर टू 3, इट आपका 4:15, इट इज क्वार्टर टू 4, ठीक। ऐसे लिखते चले जाइए। फिर आपका आ जाता है सर, आप इतना तो बता दिए। फिर सर आता है कि सर साढ़े भी बोला जाता है, क्या साढ़े बोला जाता है कि 30 मिनट को क्या बोलते हैं सर, कि बोल देते हैं गांव में 11:30 बज गया है, 12:30 बज गया है, 3:30 बज गया है, 4:30 बज गया है, तो इसके लिए सर क्या यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे, देखिए इट इज 9:30, 9:30 बज गया है, इट इज 9:30, 3:30 बज गया है, इट इज 9:30, इट इज 9:30, 10:30 बज गया है, इट इज 10:30, 11:30 बज गया, इट इज 12:30, 11:30 बजे, इट इज 11:30, 10:30 बज गया, इट इज 10:30, इट अगर जैसे आपका 4:30 बजे, इट इज 4:30, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं फिर आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे क्या हुआ, 5 आ गया ना आपका, जैसे 12:05, यहाँ पर देखिए ये आपकी वॉच है, यहाँ पर ये आपकी वॉच है, तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 5, ठीक। तो ये आपको रिवीजन कराते हैं, यहाँ पर क्या आता है, इट इज देखिए 12:05 हो गया, इट इज 12:05, 12:10 हुआ, इट इज 10:12, 11:10 होगा, इट इज 11:11, इट इज 10:11, 11:20 हो गया है, इज इट 20:11, 1:10 हो गया, इज इट 10:01, ऐसे आप सारे बना सकते हो, ठीक। अगर जैसे 2 का आ जाते हैं, जैसे जैसे इसमें 10:55 हो गया, तो क्या हो जाए, इट इज 5:11, मतलब 11:05 कम है, तो इट इज 5:11। अगर 10:50 हो गया, मतलब 10 जो बजने में है 10 मिनट बाकी है, तो क्या हो जाएगा, इट इज 10:11 बाकी है, इट इज 10:11, ठीक। आप तक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद और भी नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको इसके बारे में बताते हैं, ठीक। वो कर दो, सर नेक्स्ट में आता है जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, सुबह के 10 बजे हैं, तो क्या बोलेंगे, सुबह के 10 बजे हैं, तो इट इज 10 AM, रात के 12 बजे होंगे, तो इट इज 12 AM, अगर दोपहर के 3 बजे हैं, इट इज 3 PM, अगर बोलेंगे शाम के 4 बजे हैं, तो बोलेंगे इट इज 4 PM, ठीक है। तो मतलब इसमें सुबह के 4 बजे हैं, कोई पूछता है कितना बजे, सुबह के 6 बजे हैं, तो बोलेंगे इट इज 6 AM, अगर बोलेंगे शाम को इट इज 6 PM, ठीक। ये होता है शाम के 6 बजे, तो क्या बोलेंगे,
इट इज 6 PM। AM PM का मालूम होता है ना, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। AM का मतलब अपराहन, PM का मतलब होता है पूर्वाहन, ठीक है। मतलब जब रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक AM चलता है, और दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आपका PM चलता है, ठीक। आप ये सिचुएशन डिपेंड करती है आप कौन से टाइम बता रहे हो, तो AM PM आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। अगला सर आते हैं, जैसे बोलते हैं हम, सर अभी 7 बजे हैं, कितने बोले हैं? कोई पूछता है बेटा कितने बजे हैं? सर पापा 7 बजे हैं। क्या बोलेंगे? इट इज 7 o'clock। 8 बजे हैं, इट इज 8 o'clock। 9 बजे हैं, इट इज 9 o'clock। और 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock। अगला है जैसे 8 बजने वाला है, तो इसके लिए क्या है? 8 बजने वाला है मतलब घड़ी जो घंटे मतलब मिनट की सुई होगी उसके आसपास ही होगी। तो बोले 8 बजने वाला है, 3 बजने वाला है, 4 बजने वाला है, तो इसको कैसे बोलते हैं? तो बोलते हैं इट इज अबाउट टू 8। 3 बजने वाला है, इट इज अबाउट टू 3। 4 बजने वाला है, इट इज अबाउट टू 4। 5 बजने वाला है, इट इज अबाउट टू 5। अगर और सेंटेंस बता सकते हो, इट इज अराउंड टू 8, इट इज अराउंड टू 4, इट इज अराउंड टू 7, इट इज अराउंड टू 8। मतलब 9 बजने वाला है, इट इज अराउंड टू 9। अगर 9 बजने वाला है, इट इज अबाउट टू 9, इट इज अराउंड टू 9। दोनों भी बोल सकते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को शेयर करिए, लोगों को सिखाइए। थैंक यू।